शेल्टर तो मैंने अभी 2 साल हुए हैं स्टार्ट किया, लेकिन मैं ये चीज़ अपने घर से 12 सालों से कर रही हूँ ओ वाओ। और जी। आपको ठीक है, आप चला रही हैं, आपको शौक है एनिमल्स का, और अगर मैं बहुत ही संगदिल हूं तो मैं कहूँ ठीक है आपको एनिमल्स का शौक है, आप प्रोटेक्ट करनी है, आपको गवर्नमेंट से कभी कुछ बेनिफिट्स या अलाउंसेस या एड, फाइनेंशियल एड, कभी भी किसी तरह का कुछ सपोर्ट नहीं, मिला कभी है? सपोर्ट नहीं मिला। और ये मैं अपनी खुद अपने बिहाफ पे करती हूँ, अपनी पॉकेट मनी से, क्योंकि हमारे यहाँ डोनेशन का एनिमल्स के लिए कोई सिस्टम है भी नहीं ना, कोई एनिमल्स के लिए देता भी नहीं है। और गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम जाके बात करते हैं, और मैंने बहुत कोशिश की गवर्नमेंट लेवल पे कि मैं जाके बात करूं कि आप लोग कुछ ना करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ जो हमारे स्ट्रीट पे जो बेचारे रुल रहे हैं, जानवर, बिल्ली है, कुत्ता है, या डोंकीज़ हैं, या कोई भी ऐसे सिवाय परिंदों के, ठीक है, उनके लिए आप कोई एक अच्छी सी जगह बना दे, सिटी से दूर हाईवे की तरफ एक कोई ऐसी जगह बना दे, वहाँ हम सब मिलके, इवन के हम सब मिलके, जितने भी एनिमल्स के लिए काम करते हैं, मैं हो गई, टीपू हो गए, या कोई भी लोग हो गए, हम खुद उनको खाना प्रोवाइड करेंगे, हम खुद उनका इलाज करेंगे, आप सिर्फ मतलब हमें सिविलियंस जो है सिर्फ वो जी मिलजुल बिल्कुल के सब करेंगे, बस वो लैंड कोई दे बिल्कुल दे कोई और कोई ऐसी सिक्योर लैंड हो जगह जाए दे जो दे, ऐसी चीज़ हो जाए, तो उस पर भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो कोई गवर्नमेंट में कोई ऐसा इदारा है जैसे कि हमारा एक फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, इम्पोर्ट मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, इस टाइप की ऐसा कोई? चेदारा कोई एनिमल्स के लिए ऐसे नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल्स हैं, मलीर में है, रेडियो पाकिस्तान के पास है हमारे, लेकिन उसमें कोई हमें तो नहीं मिलता कोई ऐसी चीज़ कि हम जाएं अगर अपने एनिमल्स को लेकर, तो रिचमंड क्रॉफर्ड वेटरिनरी हॉस्पिटल, बिल्कुल है हमारे रिचमंड वेटरिनरी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे इस वक्त स्क्रीन पे लिखे हुए ये हैं। जी आपको पता है कब बना? पाकिस्तान बनने से कई साल 1912 पहले बना। वाओ, पाकिस्तानियों ने नहीं बनाया, ओ ब्रिटिश, पाकिस्तानियों ने ट्रेन के ट्रैक भी नहीं डाले, अल्लाह ये सब क्यों कुछ नहीं अंग्रेज करके गया। पाकिस्तानियों ठीक है जी, वापस इस तरफ आते हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है जानवरों का सिस्टम। पंजाब में बिल्कुल अभी आता है लॉ चेंज हुआ है और कुत्तों को पेस्ट की कैटेगरी से, यानी कीड़े की कैटेगरी से निकाल के एनिमल में डाला गया एनिमल में है, डाले। और एनिमल का मतलब है कि अब वो भी जानवरों में आता है, इससे पहले वो एक कीड़ा समझा जाता था बट पंजाब कीड़ा में। भी तो लिविंग थिंग है टीपू। हाँ, तो मतलब आप इमेजिन कर लेना माइंड सेट किस तरह का चल मैं रहा तो है चूटी भी अगर हो रही होती है और कि अगर मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही होती है तो मैं उसके ऊपर हमारे जाती। हमारे मजहब ने, चूटी हमारे रसूल ने ही यही फरमान दिया है। पेस्ट से हाँ निकल के वो एनिमल में आ गया, इस पे हम लोग खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कंग्रेचुलेशंस चींटियां और शहद की मक्खियां और कव्वे और छिपकलियां, जिनको आप हकीर समझते हैं, ये एक्चुअली आपके घर को साफ कर रहे होते हैं। बिल्कुल चींटियां जो हैं, मक्खियां जो हैं, मक्खियां मार दे स्प्रे करके सारी, वो मक्खियां जो हैं वो आपके घर की सफाई कर रहे होते हैं। गंद आपने किया है जो वो खाने आई हैं, खाने ये याद करें कि गंद आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गंद जो वो खाने आती और हैं, वो मच्छर, खुद नहीं आती। आई एम अफ्रेड मच्छर कि का मैं इतना डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो मैं बहुत बड़ा सिंस कमिट कर चुकी हूं अगर मैंने भी बहुत मच्छरों को मारता मारना मच्छर, सिंपल है। तो मच्छरों का मैं कह नहीं सकता, मगर आप देखें कि अगर शहद की मक्खियां नहीं हो तो कोई भी अरे फूल और शहद की पौधा जो मक्खियों है पे तो वो स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च किया है कि हमारी जो फोलिएज है, जो हमारे बॉस बीच आगे नहीं जा हरियाली है, वो सकता। खत्म हो रही है क्योंकि बीज खत्म हो शहद रही की है। मक्खियां मर रही हैं क्योंकि इंसान हर चीज स्प्रे कर देता है कि मार दो मार दो, कीड़े मार दो, उसकी वजह से वो जो बीज आगे लेके जाती थी जिससे दरख्त निकलते थे और फल उगते थे और क्रॉप्स जी उगती थी, वो जी बंद हो रही है। अच्छा, बैक टू रेज ऑफ लाइट, मुझे आप ये बताएं आपके इस वक्त करंटली आपके शेल्टर में कितने जानवर हैं? मेरे पास कैट्स हैं 180, 180 बिलियां, जी 180 एक सौ कैट्स हैं, अस्सी जिसमें बिलियां ब्लाइंड हैं, पैरालाइज्ड हैं, हाँ और 72 डॉग्स हैं जो सारी स्ट्रीट डॉग्स हैं। और उसमें जो है वो सारी वो ही डॉग्स हैं जिनकी मदर से बच्चे फेंक दिए गए, जिनकी कैट्स को बोरियों में डाल डाल के कर दिया गया, वो ही सारी मदर डॉग मेरे पास हैं। आपको पता है जब एक मदर डॉग से उसके बच्चे हटा दिए जाते हैं तो वो कितने दिन डिस्टर्ब रहती है, बिल्कुल समझे जैसे आपसे मुझसे बच्चा छीन लिया, बिल्कुल वही सिचुएशन होती है लोगों उनकी, को बिल्कुल भी लेकिन लोग इंसानियत एहसास नहीं नहीं है, करते, लोग एहसास एहसास नहीं नहीं करते। मेरे घर के अंदर, मेरे घर में इस वक्त कैट्स हैं, शेल्टर पे तो हैं, लेकिन वो कैट्स जो बिल्कुल शेल्टर पे सरवाइव नहीं कर सकती, मैगेट्स हो गए हैं उनको, उनके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, जो बहुत एजेड हो गई है, मेरे पास 12 ईयर्स की एक कैट है, वो वहाँ नहीं, वो मेरे घर पे है, मेरे पास पपीज मेरे पास घर पे हैं। चूंकि शायद अल्लाह ताला ने हम लोगों के दिल में वो चीज़ डाली है तो हम वो चीज़ देख नहीं सकते और बस आपका क्या ख्याल है? अगले सवाल से पहले यहाँ स्क्रीन पे रेज ऑफ लाइट फॉर
फॉर डोनेशन का कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, ये मैंने पर्सनली वेट किया है इस शेल्टर को। और अगर आप एनिमल से थोड़ी सी भी रगबत रखते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप थोड़े से पैसे इस नंबर पे कॉल करके डोनेट कर सकते हैं। सदर मुझे आप एक बात बताएं, आपके ख्याल में ऐसा क्यों है कि कुछ लोग पाकिस्तान में बहुत एनिमल से इश्क करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो उनके फितरतन उनको एनिमल से कुछ लगाव नहीं होता है, लाइक डू यू थिंक इट्स मेंटालिटी? नहीं देखिए, मैं समझती हूँ कि एनिमल से फिर भी प्यार करते हैं। बच्चों को कबूतर को दाना डालना सिखाते हैं, चिड़ियों को दाना डालना सिखाते हैं, हर चीज़ सकते हैं। लेकिन जो कुत्ता है ना, जो डॉग है ना, हमारे यहाँ असल में सारा मसला उसके साथ है। अगर आप देखें हमारे डोंकीज और कैमल्स और हॉर्सेस को, देखिए जो डोंकीज होते हैं उनके ओनर्स का इशारा कि जब वो उनके काम से हट चुके होते हैं, वो सवारी एक तो उनको इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाद दिया जाता है, इतना लोड डालते हैं, फिर वो ओनर ही उसको डिसओन कर देता है वो रोड रस्तों पे। क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं ना कि बंदे को पते, हमारे यहाँ आम इंसान को ये नहीं पता कि वेट्स भी होते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं। जब मैं किसी को अवेयरनेस देती हूँ, मैं बताती हूँ आप इसको उठा के यहाँ से डॉक्टर, तो वो कहते हैं अच्छा डॉक्टर भी होते हैं, अच्छा हॉस्पिटल भी होते हैं, हमें तो नहीं पता। ठीक है, अब हमारे यहाँ जो इस वक्त रोना रो रहे हैं ना, हमारे यहाँ डॉग्स के साथ जो कुछ भी हो रहा है हमारे यहाँ, और वो अफसोस की बात देखिए आम इंसान तो कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पूरे प्रॉपर गवर्नमेंट लेवल पे भी यही चीज। और अगर गवर्नमेंट जो है वो हमारे स्टैंडर्ड्स पे नहीं आ पा रही है क्योंकि उनके पास और बहुत ज़्यादा गंभीर मसले हैं, तो मैं एक सीरियस रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम्स हैं, जो भी एकेडमिकली ओरिएंटेड है, और वो इस वक्त अगर आप मेरा शो देख रही हैं और अगर आप किसी स्कूल से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वाई नॉट स्टार्ट ट्रेनिंग चिल्ड्रन हाउ टू बी काइंड। यू नो आप साइंस क्लास में काइंडनेस टू एनिमल्स का एक कोर्स कर सकते हैं।